हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी सारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स इस समय चल रहे हैं, बैंकिंग के एग्जाम्स इस समय चल रहे हैं, और एसएससी के काफ़ी सारे एग्जाम मार्च और अप्रैल में होंगे, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, स्टेनो एग्जाम। तो इन सभी एग्जाम्स को देखते हुए इंग्लिश सेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए मैंने ये वोकेबलरी सीरीज स्टार्ट की है। इसके वीडियो सॉल्यूशंस मैं अपलोड कर रहा हूँ इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। तीन पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो इनको यदि आप पढ़ना चाहें, इन वोकेबलरी वर्ड्स को यदि आप पढ़ना चाहें, तो इस साइट पर आप आ सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, englishiq.in। ठीक है, यहाँ पर आके इन वोकेबलरी वर्ड्स को आप बहुत ही डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, और जब आप इन वर्ड्स को बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ड्स अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे, और आप एग्जामिनेशन हॉल में या कभी भी इनको आप आराम से रिटेन कर पाएंगे। तो रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर मैंने जो वर्ड्स को दिया है इस साइट पर, ये डिस्क्रिप्टिव तरीके से मैंने दिया है, मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, तो इससे इन वर्ड्स को समझने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। और यदि आप बैंकिंग के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो IBPS PO के लिए मैंने एक फ्री कोर्स यहाँ पर चलाया हुआ है, IBPS PO प्रीलिम्स फ्री कोर्स। हालांकि इसमें प्रीलिम लिखा हुआ है, लेकिन मेंस के भी कुछ वीडियो क्लासेस मैंने यहाँ पर डाले हैं, तो इनको भी आप देख सकते हैं। और ये वोकेबलरी का पार्ट वन है, इस पार्ट वन के वीडियो सॉल्यूशंस मैं यहाँ पर अभी अपलोड कर रहा हूँ। पार्ट टू आप यहाँ पर देख सकते हैं, पार्ट थ्री आप यहाँ पर देख सकते हैं। और SSC के सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने SSC CGL 2017 का प्री का पूरे 40 सेट्स वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पर अपलोड किया है, तो इसको भी आप देख सकते हैं, इससे भी आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए देखते हैं इन नए वर्ड्स को। मैंने यहाँ तक इन वर्ड्स को कवर कर लिया है, यहाँ तक इन वर्ड्स को मैंने एक्सप्लेन कर लिया है, तो अब हम नेक्स्ट वर्ड्स देखते हैं। देखिए, एक ये वर्ड है हेलुसिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये हेलुसिनेशन। क्या मतलब है इसमें? देखिए, इट्स ए काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, ये एक एक्सपीरियंस है जिसमें व्यक्ति ऐसी चीज़ों को देखता है, सी करता है, फील करता है, सुनता है, या ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये किसी ड्रग के इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, हेलुसिनेशन इसको एक बोलते हैं। इसमें इसमें एक कल्पना करता है व्यक्ति, वो किसी किसी महल में है या किसी बड़ी जगह पर है, और ऐसी चीज़ें वो फील या हियर करता है या सी करता है जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इसको हम बोलते हैं हेलुसिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। अब देखिए, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने लिखे हैं, एक होता है ग्रम्बल और एक होता है क्रम्बल। ग्रम्बल का क्या मतलब है? ग्रम्बल का मतलब है कंप्लेन करते रहना। ठीक है, किसी भी चीज़ की शिकायत करते रहना, ग्रम्बल करते रहना, कंप्लेन अबाउट समथिंग और समबडी और इवन सम सिचुएशन इन एन अनोइंग और परसिस्टेंट वे। यू कैन ऑल्सो यूज दिस वर्ड वेन यू आर हंग्री, वेन योर स्टमक ग्रम्बल्स इट मेक्स अ लो एंड कंटिन्यूस नॉइज। तो देखिए, इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव तरीके से जब आप इन वर्ड्स को पढ़ेंगे तो इन वर्ड्स से आपकी वोकेबलरी तो स्ट्रांग होगी ही, इससे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन, आपका क्लोज टेस्ट, आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ये सभी इसमें आपके स्ट्रांग होंगे, और एक कमांड बनेगा लैंग्वेज पर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रांग होगा। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि साइट पर आप आएं और डिटेल में इन वर्ड्स को पढ़ें और रिवाइज करें। अभी इसमें तीन पार्ट्स मैंने डाले हैं, पार्ट वन वोकेबलरी का, पार्ट टू और पार्ट थ्री, तो ऐसे ही पार्ट फोर, पार्ट फाइव ऐसे आते जाएंगे इस साइट पर। तो यहाँ पर आके आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। इस साइट को आप मोबाइल पर भी खोल सकते हैं, लैपटॉप और PC पर भी खोल सकते हैं। englishiq.in, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से इन वोकेबलरी वर्ड्स को आप पढ़ सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं बैंकिंग और SSC एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पर मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो ग्रम्बल का मतलब है शिकायत करना, और क्रम्बल का मतलब है किसी चीज़ का टुकड़ों में टूट जाना। वे समथिंग ब्रेक्स इन टू पीसेस इट क्रम्बल्स, कोलैप्स और डेटीडियोरेट। तो क्रम्बल का मतलब है पीसेस में टूट जाना, ग्रम्बल का मतलब है शिकायत करते रहना, परसिस्टेंटली शिकायत करते रहना, उसको हम बोलते हैं ग्रम्बल। जैसे मैं बोल सकता हूँ शी इज ग्रम्बलिंग ऑल द टाइम। ठीक है, क्रम्बल का मतलब होता है पीसेस में टूट जाना किसी चीज का। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है रेटिफाई, टू मेक समथिंग ऑफिशियल बाई वोटिंग ऑन ए डिसीजन और साइनिंग अ रिटन डॉक्यूमेंट। एक रिटन डॉक्यूमेंट है, उस पर आपने वोट कर दिया, उस पर आपने साइन कर दिया,
मतलब उस चीज को सपोज किसी चीज की बात हो रही है, किसी चीज को इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है और 100 लोग हैं वहां पर, तो 100 में से 90 लोग वहां पर साइन कर देते हैं, यानी उन 90 लोगों ने उस चीज को रेटिफाई कर दिया, अप्रूव कर दिया या इंडोर्स कर दिया या ऑथोराइज कर दिया, ठीक है। तो वो होता है रेटिफाई या रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन नाउन फॉर्म होगा, रेटिफाई इसका वर्ब फॉर्म होगा। रेटिफाई का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अप्रूव करना या इंडोर्स करना, अपना डिसीजन उस पर देना, उसको हम बोलते हैं रेटिफाई। रेटिफिकेशन इसका नाउन फॉर्म होगा। अब देखिए, मैं जानबूझ के यहाँ पर ऐसे वर्ड लेता हूँ जो आपस में मिलते जुलते हैं, जिनकी साउंड आपस में मिलती जुलती है, जैसे ग्रम्बल और क्रम्बल। ग्रम्बल का मतलब शिकायत करना, क्रम्बल का मतलब पीसेस में टूट जाना। अब आप कभी इनको, इन वर्ड्स को भूलेंगे नहीं। रेमीफाई, रेमीफाई का मतलब ब्रांच आउट हो जाना, किसी चीज का दो ब्रांचेज में बट जाना, उसको हम बोलते हैं रेमीफाई। रेमिफिकेशन का मतलब रिपरकशंस भी होता है, किसी चीज के क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं उसको भी हम रेमिफिकेशन बोलते हैं। अब देखिए, एक होता है रेटिफाई और एक होता है टेस्टिफाई। टेस्टिफाई का क्या मतलब, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। टू गिव एविडेंस एज ए विटनेस इन ए लॉ कोर्ट, मतलब कोर्ट में जाके किसी चीज के लिए एविडेंस देना, सबूत देना, उसको हम बोलते हैं टेस्टिफाई, ठीक है। रेटिफाई का मतलब होता है अप्रूव करना किसी चीज को, रेटिफाई अप्रूव करना अपने साइन के द्वारा, जबकि टेस्टिफाई का मतलब होता है एविडेंस देना। टू गिव एविडेंस एज ए विटनेस इन ए लॉ कोर्ट, जिसको हम बोलते हैं स्वेयर, ठीक है। तो टेस्टिफाई का मतलब होता है एविडेंस देना लॉ कोर्ट में। अब देखिए, इसी से मिलता जुलता वर्ड मैंने यहां पर लिया है कैल्सीफाई। कैल्सीफाई टू बिकम हार्ड और मेक समथिंग हार्ड, किसी चीज का पत्थर जैसा हो जाना, हार्ड हो जाना, जिसको हम हार्डन भी बोल सकते हैं या फॉसिलाइज भी बोल सकते हैं, तो ये होता है कैल्सीफाई, ठीक है। रेमीफाई ब्रांचेस में बट जाना, टेस्टिफाई एविडेंस देना लॉ कोर्ट में, कैल्सीफाई पत्थर का हो जाना। एमिलियोरेट, एमिलियोरेट का मतलब किसी चीज को बेटर करना, इम्प्रूव करना। टू मेक अ सिचुएशन बेटर और इम्प्रूव द सिचुएशन। द वर्ड एमिलियोरेट इज ऑफन रॉन्गली यूज्ड व्हेन एलिविएट इज मेंट। एमिलियोरेट मीन्स टू इम्प्रूव एंड नॉट टू मेक इजियर टू बेयर और टॉलरेट। देखिए, यहाँ पर यह बताया है कि एलिबिएट का मतलब होता है, जैसे आपको दर्द हो रहा है और आपने बाम लगा ली या कोई गोली खा ली तो आपका दर्द कम हो जाएगा, तो आपने पेन को क्या किया, एलिविएट किया। यहाँ पर पेन को इम्प्रूव नहीं किया आपने, पेन को एलिविएट किया। इम्प्रूव सिचुएशन को इम्प्रूव जब आप करते हैं, सिचुएशन खराब है उसको जब आप इम्प्रूव करते हैं, तो उस सेंस में हम एमिलियोरेट वर्ड का यूज करते हैं। जब हम दर्द को कम करने की बात करते हैं तो वहां पर हम एलिविएट वर्ड का हम यूज करते हैं। अब देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है क्यूरेट। क्यूरेटर एक्चुअली जो म्यूजियम में जो बंदा होता है उसको भी हम क्यूरेटर बोलते हैं। वैसे क्यूरेट का मतलब क्या है, टू कलेक्ट सिलेक्ट एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन और आइटम्स टू यूज और एंजॉय, ठीक है। आपके पास इंफॉर्मेशन पड़ी है लेकिन उसको सिस्टमेटिक तरीके से करना, कलेक्ट सेलेक्ट और प्रेजेंट इंफॉर्मेशन और आइटम्स और टू यूज और इन्जॉय, उसको हम बोलते हैं क्यूरेट। इंफॉर्मेशन को क्यूरेट करना, उसको उसको सिस्टमेटिक तरीके से रखना ताकि उससे आप कोई निष्कर्ष निकाल सकें। डॉज, टू अवॉइड समथिंग बैड और अनप्लीजेंट और टू अवॉइड बींग हिट बाई समथिंग बाई मूविंग क्विकली टू वन साइड। नॉर्मली डॉज का मतलब होता है किसी चीज़ को अवॉइड करना या एस्केप करना। जैसे जैसे आप कोई खेल खेल रहे हैं, एक व्यक्ति आप में एक बॉल मार रहा है और आप एक तरफ हट जाते हैं, जैसे ही बॉल सामने आती है आप एक तरफ हट जाते हैं, मतलब उस बॉल से आप हिट नहीं हो पाए, आपने अपने आप को बचा लिया, तो उसको भी हम डॉज बोलते हैं। डॉज का मतलब एस्केप या अवॉइड भी होता है, ठीक है। टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन मतलब टैक्स से बचना। तो ये जो वर्ड्स हैं इनसे आपका, आपकी एक इंग्लिश लैंग्वेज पर एक कमांड बनेगा, आपका आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका बहुत अच्छा होगा, ठीक है। चलिए आगे कुछ वर्ड और देखते हैं। देखिए, एक ये वर्ड है ओवरवेलम। इसके कई सारे मीनिंग हैं, जैसे यदि आप बोलते हैं कि मुझे ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला, मतलब बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिला। ओवरवेलम का मतलब डिफीट करना होता है। एक व्यक्ति यदि दूसरे व्यक्ति को ओवरवेलम कर देता है तो उसने उसको डिफीट कर दिया। ओवर पावर
डिफीट समवन और समथिंग बाय यूजिंग अ लॉट ऑफ फोर्स, ठीक है। और यहां पर एक वर्ड और है कैपिचुलेट। देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है कैपिचुलेट, एक होता है रिकैपिचुलेट। कैपिचुलेट का मतलब होता है सरेंडर, रिकैपिचुलेट का मतलब होता है समराइज करना किसी चीज को। रिकैपिचुलेट समराइज करना, सम अप करना, जबकि कैपिचुलेट का मतलब होता है सरेंडर, ठीक है। ओवरवेलमिंग का क्या मतलब है? ओवरवेलमिंग का मतलब है वेरी ग्रेट इन अमाउंट, जैसे हम बोलते हैं ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, ठीक है। फॉर इंस्टेंस यू कैन से ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स व्हेन यू आर ओवरवेलम बाय विद सम इमोशन यू स्ट्रांगली फील दैट इमोशन। जब आप किसी इमोशन से बहुत स्ट्रांगली आप फील कर जाते हैं, जब आप किसी इमोशन से बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं तो उसको भी हम ओवरवेलम बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं व्हेन यू आर ओवरवेलम्ड बाय या विद आएगा इसके साथ, बाय विद सम इमोशन यू स्ट्रांगली फील दैट इमोशन। जैसे आप बोल सकते हैं आई वॉज ओवरवेलम्ड बाय द गिल्ट, या आई वॉज ओवरवेलम्ड बाय द हैप्पीनेस। जिस जब आप पूरी तरह से घिर जाते हैं उस चीज से तो उसको हम बोलते हैं ओवरवेलम, ठीक है। इफ वॉटर ओवरवेलम्स अ पर्टिकुलर प्लेस इट कवर्स इट सडनली एट एंटायरली। जब पानी किसी चीज को पूरी तरीके से ढक लेता है या घेर लेता है तो उस सिचुएशन में भी हम ओवरवेलम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए एक ही वर्ड के कितने सारे मीनिंग्स मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, और जब आप बार बार यहाँ पर आएंगे इस साइट पर रिवाइज करेंगे इन वर्ड्स को तो बहुत ही अच्छे तरीके से सारे वर्ड्स आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। अब देखिए ये एक वर्ड है इम्पास। इम्पास बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसकी स्पेलिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, IMPASSE। इम्पास का मतलब एक ऐसी सिचुएशन होती, एक ऐसी सिचुएशन को हम इम्पास बोलते हैं, इसको हम डेडलॉक भी बोलते हैं, जिसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो पाती। जैसे 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 भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का जो इशू है, ठीक है, तो कोई भी इसमें प्रोग्रेस नहीं हो पाती क्योंकि कोई भी पार्टी आगे बढ़ने को तैयार नहीं होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इम्पास या डेडलॉक भी इसको हम बोलते हैं। अ सिचुएशन इन विच नीदर ऑफ द टू पार्टीज कैन विन, मूव अहेड और टेक एन एक्शन, इसको हम स्टेलमेट भी बोलते हैं, इसको हम स्टैंड ऑफ भी बोलते हैं, इसको हम डेडलॉक भी बोलते हैं, ठीक है। इम्पास, तो इम्पास एक अच्छा वर्ड है, डेडलॉक, ठीक है। और यहां पर एक वर्ड और आया है चेकमेट। व्हाट इज चेकमेट? चेकमेट इज ए पोजीशन इन द गेम ऑफ चेस वेयर वन प्लेयर्स किंग कैन नॉट एस्केप कैप्चर ऑन द नेक्स्ट मूव एंड द गेम एंड्स इमीडिएटली। चेकमेट का मतलब होता है कि वहां पर जो राजा होता है चेस में वो वहां से एस्केप नहीं कर सकता, दूसरी पार्टी उसको इस तरीके से फंसा देती है कि वो वहां से निकल नहीं सकता, और उसको हम बोलते हैं चेकमेट, ठीक है। वैंक्विश का मतलब भी डिफीट होता है, वैंक्विश, डिफीट एंड कॉन्कर आर द वर्ड्स दैट कैन रिप्लेस द वर्ड चेकमेट, ठीक है। वैंक्विश का मतलब भी डिफीट होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स हैं। अब देखिए यहां पर एक नया वर्ड आ रहा है इनक्रोच। इनक्रोच का क्या मतलब है? अतिक्रमण। सपोज आप किसी की प्रॉपर्टी में या किसी की जगह में बिना किसी परमिशन के वहां पर घुस जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर उसको हम बोलते हैं इनक्रोचमेंट, उस पर आप अधिकार जमा लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अतिक्रमण या इनक्रोचमेंट। इनक्रोचमेंट नाउन है, इनक्रोच एक वर्ब है। टू टेक कंट्रोल और पजेशन ऑफ समथिंग दैट बिलोंग टू सम अदर पर्सन आफ्टर often without permission and without being noticed. Encroachment is a noun form. तो इस तरीके से डिटेल में यहां पर मैंने इन वर्ड्स को दिया है। Encroachment का मतलब होता है अतिक्रमण। Temporal का क्या मतलब है? Temporal. Temporal मतलब time से related, of time. Temporal मतलब time से related. Chronological या worldly या lay. Worldly मतलब सांसारिक, उसको हम बोलते हैं temporal. और कार्पोरल का क्या मतलब है? रिलेटिंग टू प्रैक्टिकल और फिजिकल थिंग्स रादर देन स्पिरिचुअल थिंग्स। कार्पोरल का मतलब होता है बॉडीली, बॉडी से संबंधित। टेम्पोरल टाइम से संबंधित, ठीक है। कार्पोरल बॉडी से संबंधित। विंटेज, विंटेज का क्या मतलब है? विंटेज का मतलब होता है एनीथिंग ऑफ सुपीरियर क्वालिटी एंड लास्टिंग वैल्यू। जैसे विंटेज वॉचेज आती हैं, कोई भी चीज जिसकी सुपीरियर क्वालिटी है या लास्टिंग वैल्यू है उसको हम बोलते हैं विंटेज,
ठीक है। कैपिचुलेट का मतलब होता है सरेंडर या गिविन भी इसके लिए हम बोल सकते हैं, सबमिट भी बोल सकते हैं, ईल्ड भी बोल सकते हैं, रिलेंट भी बोल सकते हैं, सीड भी बोल सकते हैं। कैपिचुलेट पीछे हट जाना, आत्मसमर्पण कर देना, उसको हम बोलते हैं कैपिचुलेट। जबकि रिकैपिचुलेट का मतलब होता है समअप करना, समराइज करना। डाइवल्ज का मतलब होता है खोल देना किसी चीज को, जैसे कोई सीक्रेट है उसको खोल देना, डिस्क्लोज कर देना या रिवील कर देना। जबकि डिल्यूज का मतलब होता है बाढ़ या फ्लड, इसको हम बोलते हैं इनंडेशन, इनंडेशन। ठीक है, तो एक बार इन वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं, जो जो वर्ड्स मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करे हैं उन वर्ड्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, इससे सारे वर्ड्स आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। हेलुसिनेशन एक कल्पना होती है जिसमें आप कुछ अजीब सी चीज़ों को फील करते हैं, सी करते हैं, देखते हैं। ग्रम्बल का मतलब शिकायत करना होता है, क्रम्बल का मतलब टुकड़ों में टूट जाना होता है, रेटिफाई का मतलब किसी चीज़ को ऑफिशियली अप्रूव करना होता है, रेमीफाई का मतलब ब्रांच आउट होता है, टेस्टिफाई का मतलब एविडेंस देना होता है, कैल्सीफाई का मतलब पत्थर बन जाना, जिसको हम फॉसिलाइज भी बोलते हैं, एमिलियोरेट किसी सिचुएशन को इम्प्रूव करना, क्यूरेट डेटा को इकट्ठा करना, डॉज मतलब अवॉइड करना, एस्केप करना, इसको हम बोलते हैं डॉज। ठीक है, ओवरवेल्म के कई सारे मीनिंग है, ओवरवेल्म का मीनिंग डिफीट भी होता है, और ओवरवेल्म के कई सारे मीनिंग है, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स यहाँ पर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इम्पास का मतलब डेडलॉक होता है, ठीक है, कोई भी पार्टी आगे नहीं बढ़ पाती है। इनक्रोच का मतलब अतिक्रमण होता है, टेम्पोरल मतलब टाइम से रिलेटेड, कॉर्पोरल मतलब बॉडी से रिलेटेड, विंटेज एनीथिंग ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, कैपिचुलेट सरेंडर होता है, रिकैपिचुलेट समराइज होता है, डाइवल्ज डिस्क्लोज होता है, डिल्यूज का मतलब फ्लड होता है। ठीक है, यहाँ तक मैंने ये वर्ड्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। इससे आगे के जो वर्ड है, यहाँ से जो वर्ड है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में आपको एक्सप्लेन करूँगा। इन वर्ड्स को आप जरूर पढ़ें, यदि इंग्लिश सेक्शन पर आपको एक अच्छा कमांड करना है और इंग्लिश सेक्शन से जो डर लगता है उसको आपको दूर भगाना है, तो इस साइट पर आप जरूर आएँ, इन वर्ड्स को पढ़ें। यहाँ पर काफ़ी सारे मैंने वीडियो कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराए हैं, जैसे अभी दो वीडियो कोर्स चल रहे हैं यहाँ पर, एक IBPS PO के लिए, प्रीओ मेंस के लिए, और एक SSC के लिए, जिसमें मैंने CGL 2017 का पूरा वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कराया है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं। तो इन वर्ड्स को आप जरूर पढ़ें, रिवाइज करें, डेफिनेटली बहुत इससे इनको आपको हेल्प मिलेगी। englishiq.in ये वेबसाइट का नाम है, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और इन पोस्ट को शेयर आप जरूर करें, यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप्स में ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी फायदा हो, यहाँ से भी आप शेयर कर सकते हैं, और कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा आपको ये लग रहा है, किस तरीके से आपको इन वोकैबुलरी वर्ड्स से आपको हेल्प हो रही है और किस तरीके से आपके लिए ये यूजफुल है। तो इस सेशन में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।